जय भीम साथियों, आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। आज आपको ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हमारे मसीहा ने, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी होगी। जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये एकदम सच्ची कहानी है, किसी व्यक्ति के ऊपर बीती हुई कहानी है। ये वो कहानी है कि अगर आपके अंदर दिल होगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे बाबा साहब ने वो जातिगत व्यवस्था को बदला होगा, वो जातिगत तंज, वो गुलामी से बाबा साहब ने हमको कैसे छुड़ाया होगा। जरा गौर से सुनिएगा इस कहानी को और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों को बाबा साहब की सच्ची कहानी पता लग पाए। ये कहानी उस समय की है जब बाबा साहब बहुत छोटे थे। एक समय की बात है कि बाबा साहब की उम्र मात्र 5 वर्ष थी, तो बाबा साहब की मां भीमाबाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उस छोटी सी उम्र में बाबा साहब को उनकी मां छोड़कर चली गई इस दुनिया से। बाबा साहब को उनकी मां छोड़कर चली गई मात्र 5 साल की उम्र में। आप सोचिए कि किसी बच्चे के सर से अगर मां का साया उठ जाए तो क्या वो अच्छे से अपने जीवन को जिएगा? क्या वो उसे वो प्यार मिल सकता है जो मां प्यार देती है? मात्र 5 साल की उम्र थी। साथियों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। 5 साल की उम्र थी, बाबा साहब ने अपने पिता सूबेदार रामजी सकपाल से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं। पर दोस्तों, उस समय दलित के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा साहब के पिता ने बच्चे की जिद पर स्कूल में दाखिले के लिए हां कर दी। बाबा साहब के पिता बाबा साहब को एक स्कूल के अंदर दाखिला करवाने के लिए बाबा साहब को लेकर पहुंचे। स्कूल के अंदर गए, प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचे तो प्रिंसिपल बाबा साहब को देखकर बहुत खुश हुआ कि बहुत छोटा सा बच्चा, गोल मटोल सा और दिखने में बहुत सुंदर था। तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और उसने पर्चा निकाला और बाबा साहब का दाखिला करने के लिए वो फॉर्म भरने लगा। बाबा साहब का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, पता पूछा, लेकिन जब पूछा गया जाति क्या है और जब बाबा साहब के पिता ने बताया कि हम महार जाति से हैं, बाबा साहब के पिता सूबेदार रामजी सकपाल जी ने बताया कि हमारी जाति महार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महार जाति को मनुस्मृति के अंदर नीच जात बताया गया है। जो आज हम कहते हैं ना कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उस समय नहीं था, उस समय सिर्फ जाति का अधिकार था। बाबा साहब की उम्र 5 साल थी, बचपन में ही सर से माता का साया उठ गया। पिता ने पढ़ाने का सोचा क्योंकि उनके पास सपने थे बाबा साहब को लेके। पढ़ाने को सोचा तो जब पता लगा प्रिंसिपल को कि वो बच्चा ये बहुत अच्छा दिखने में था लेकिन वो महार जाति से था, उसका यह कसूर है क्योंकि वो नीची जाति से है, या उसका कसूर है, सीधे उसे विद्यालय में दाखिला नहीं मिलेगा, और उसका फॉर्म फाड़कर फेंक दिया। प्रिंसिपल ने स्कूल के चपरासी को आवाज मारकर बुलाया और बाबा साहब को उनके पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल जी को धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकलवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महार जाति के थे। आप सोचिए, वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं है, हमारे राइडर थे, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जरा सोचिए कि उस बच्चे पर क्या बीती होगी। बचपन में सर से मां का साया उठ जाता है, सिर्फ मात्र 5 साल की उम्र में। महार जाति की वजह से बाबा साहब के नाई ने बाल तक नहीं काटे थे। जरा सोचिए कैसा समय था वो, कितनी दर्द तकलीफ से गुजरे होंगे वो दिन। बहुत सारी चीजें थी बचपन में, जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिला। जरा सोचिए कि कैसे अपना रास्ता परिवर्तन किया होगा, कैसे बाबा साहब ने वो लड़ाई जीती होगी, वह जीवन भर इस भेदभाव को कैसे सहन किया होगा। जरा सोचिए, आज हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, बाबा साहब को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिला, लेकिन हम जिस स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले अच्छी फैसिलिटीज चाहिए होती है, वरना हम स्कूल में दाखिला नहीं करवाते। अगर स्कूल में अच्छी लाइट नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर स्कूल में एसी नहीं है, पंखे नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा पानी नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छी बात है, बाबा साहब क्या क्या कह गए। बाबा साहब का कहना था कि एक रोटी कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, वो इसीलिए क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन बाबा साहब रुके नहीं, स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सोचें, जिस बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला भी नहीं मिला, उस बच्चे की वजह से आज आपके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पंखे लगे हुए हैं। बाबा साहब को तो दूर से पानी डाला जाता था, लेकिन आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप देखते हैं कितने अच्छे बंदोबस्त देखने को मिलते हैं,
हमारे बच्चे जब कहते हैं हम कॉफी पियेंगे, हम बिस्लेरी का पानी पियेंगे, अच्छी बात है बाबा साहब हमें देकर गए हैं वो सारी चीजें, उन अधिकारों को हमें फायदा भी लेना चाहिए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कितनी कुर्बानियों से, कितने संघर्षों के बाद ये सारी चीजें हमको मिली। आज हम लोग बड़े बड़े सेठ हो गए। आज हम लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेने में भी शर्म आती है, शर्म आती है। पर क्यों क्यों आती है, हमें शर्म कोई बताएगा? हमारे मसीहा कौन थे? ये चीजें आपको ऐसे ही नहीं मिली हैं, बड़ा त्याग, बड़ा बलिदान हुआ है इन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए। आज इस देश में बताया जाता है कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति इस देश का सबसे अमीर इंसान है और बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रिकेट का भगवान बना है। लेकिन इस चीज को चीख चीख कर नहीं बताया, न कि क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई करने वाला बच्चा जिसको 5 साल की उम्र में सिर्फ जाति के नाम पर उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, वो बच्चा इस देश का संविधान निर्माता है, दलितों का भगवान है। ये कभी नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी जातिगत मानसिकता लोगों के दिमाग में है और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाति को खत्म करने की लड़ रहे हैं। इस देश में समानता लाने की लड़ाई है जो वापस से एक हमेशा लड़े। बाबा साहब इस देश में क्वालिटी लाना चाहते थे। बाबा साहब ने बचपन से ही सुख का मुंह भी नहीं देखा। सोचिए ना, जिसके सिर से मां का साया उठ जाता हूं, बहुत छोटी सी उम्र में बहुत जल्दी शादी हो गई, लेकिन समाज सेवा का ऐसा जुनून सवार था, ऐसा जुनून सर पर सवार था। वह चाहते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी को यह सारी चीजें भोगने को ना मिले जो हम भोग रहे हैं। जो चीजें उन्होंने सही वो मेरी आने वाली पीढ़ी ना सहे। इसीलिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, विदेश गए, विदेश में पढ़े, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए हर जगह आवाज उठाई। लेकिन हमारे लोग आज, लोगों को घर से अपने आप को अंबेडकरवादी कहने में शर्म आती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि बाबा साहेब ने इतनी सारी लड़ाइयां क्यों लड़ी, किसके लिए लड़ी? क्योंकि जिनके लिए भी आज लड़ाइयां लड़ी वो लोग बाबा साहब को भूल चुके हैं। वो लोग भूल चुके हैं कि कितनी मुश्किलों से ये कारवां यहां तक पहुंचा और आज लोग इस कार्य में चलने को तैयार नहीं है, वो भूल चुके हैं। आज एक बात मैं कह देना चाहता हूं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर हालात वही होंगे। आने वाली पीढ़ी को भी सिर्फ जाति के नाम पर, सिर्फ जाति के नाम पर स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उस समय जब बच्चा मर जाता था तब कफन के लिए पैसे भी नहीं थे, मां ने साड़ी का पल्लू फाड़ा था। लेकिन आज अगर आपके बच्चे के पेट में हल्का सा दर्द भी होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको याद आते हैं और जिसमें आप डोनेशन के नाम पे बहुत सारी फीस पहले से जमा कर देते हैं कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे का इलाज सही चाहिए। ये सब बाबा साहब ही देकर गए हैं, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं उस महान व्यक्ति को, वो कितनी मुश्किलों से यहां तक पहुंचा होगा, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बार बार चीख चीख के कहता हूं कि बाबा साहब ने उस समय कुछ किया तो इसलिए कि ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा देख सकें। जो आज हम आप भोग रहे हैं, और याद रखिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी जो है जंजीरों में जकड़ी पैदा होगी, गुलाम पैदा होगी। याद रखिए, सोचने से नहीं मिलता है तमन्नाओं का शहर, कि सोचने से नहीं मिलता है तमन्नाओं का शहर। मन को नाव के समान चलाना भी पड़ता है साथियों, मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। और बाबा साहब चले, और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जिसके अंदर सभी को इक्वालिटी, समानता दी, जिसके अंदर सभी को यह लिखा कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं तो सरकार पढ़ाएगी, अगर किसी के पास खाने को पैसे नहीं है तो उसे सरकार खिलाएगी। जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जाति के नाम पर आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा कि बाबा से देखेगा। लेकिन आज चीजें भाई और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं, लेकिन हमारे लोग जिन्होंने दिया उस व्यक्ति को भूल चुके हैं। मैं दोबारा फिर कहूंगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्ना के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों, मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। आप जरूर सोचना, मैंने अपने समाज के लिए क्या किया। विचार कीजिएगा इस बात पर और गहराई से सोचिएगा कि क्यों मैं इतना शिक्षक। क्या आप लोगों को बार बार ये बात कहता हूं कि बाबा साहब की मूवमेंट में चलिए, बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाइए। अरे यार, हम तो वो लोग हैं कि अगर किसी ने इतना सा भी एहसान हमारे ऊपर किया तो हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, लेकिन भूल रहे हैं। हम क्यों भूल रहे हैं? मत भूलिए, सोचिए जरूर कि मैंने क्या कहा, इस पर विचार कीजिएगा।
और लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाएगा जो मैसेज मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। बाबा साहेब का नाम घर घर तक पहुंचाए आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है आपकी। मत भागिएगा साथियों, मत भागिएगा। बाबा साहब भी भाग गए होते तो आपको हमको ये जिंदगी नसीब नहीं होती जो मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी हम जी रहे। जय भीम, जय भारत। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अम्बेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।